क्या हुआ उसका? हाँ, जब तूने इतना बड़ा कदम उठाया उस मुसलमान के साथ। मैंने हो गई गलती मुझसे, और कब तक बर्दाश्त करूं? हेलो गाइस, फिर से हमारी न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मुस्कान शर्मा की न्यू शॉर्ट फिल्म बाय इब्राहिम अनवर शेख। यह मुस्कान शर्मा की सेकंड शॉर्ट फिल्म है। पहली वाली शॉर्ट फिल्म काफी पॉपुलर हुई। इद्दत शॉर्ट फिल्म कल रिलीज होगी मुस्कान शर्मा के यूट्यूब चैनल पर होगी। मुस्कान शर्मा का यूट्यूब चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। इद्दत शॉर्ट फिल्म पर मुस्कान शर्मा ने क्या कहा, मैं आपको बताता हूँ। मुस्कान शर्मा ने कहा कि इद्दत एक ऐसी लड़की की कहानी है जो भागकर दूसरी जाति के लड़के से शादी कर लेती है। उसके पति के हरकतें उसके जीवन को बर्बाद कर देती है। क्या उसका परिवार उसे माफ करेगा और उसे अपने जीवन में वापस स्वीकार करेगा? फिल्म कठिन परिस्थितियों में प्यार, क्षमा और स्वीकृति की पड़ताल करती है। इद्दत शॉर्ट फिल्म काफी अच्छी होने वाली है। और आप कमेंट्स में ये जरूर बताना कि मुस्कान और शादाब में आपको किसकी वीडियोस देखना आप पसंद करते हैं। चलो इसके साथ ही मुस्कान शर्मा के कुछ वीडियोस देखते हैं। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, तो हमेशा हम सब साथ रहते हैं और कभी कभी बहुत कभी ऐसा मौका होता है कि जब मैं अकेली होती हूँ, तो फिलहाल मैं अकेली हूँ और मैं अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करती हूँ, आराम से अपना अकेले जा रही हूँ और फिर मैं अपनी कंपनी में आप लोगों को शामिल कर देती हूँ स्टोरी बना के। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही हो और आई होप आपने मेरा नया पोस्ट जो हमारी न्यू शॉर्ट फिल्म है इद्दत उसका देखा होगा। नहीं देखा है प्रोफाइल पे जाके जरूर देखना। और इद्दत का मतलब अगर आपको पता है कमेंट में जरूर बताना, नहीं पता है तो भी पूछ लेना और लोगों ने जिनको पता है उन्होंने रिप्लाई कमेंट किया होगा। ये कल 11/11 को मेरे चैनल पे आने वाला है यूट्यूब पे। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा होगा ये शॉर्ट फिल्म को लेके, बट हर शॉर्ट फिल्म में जैसे एक मोटिव रहता है हमारा बनाने का, एक मैसेज रहता है। ये दोनों भाई बहन कैसे यार, देख रहे हैं गंदा इसका पेट, देख अदरक की तरह कैसे भी निकल रहा है। अरे येलो पे पर्पल पहनी, कुछ भी पहनती रहती है एकदम ड्रेसिंग सेंस में, कुछ भी बिना मेकअप के इतनी गंदी। भाई सामने भी आएगी तो क्या होगा? मुझे ना अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है वो लोग कब से हमारी बुराई कर रहे हैं? इतना गुस्सा रहे, मन कर उसका मुंह तोड़ दूं। अरे दीदी अपने सुनने का तरीका बदलो, बस रुको अब सुनो। भौंकने दे चल। हाथी जदों तुरदा है कुत्ते रहन पौंकदे, हाथी कदे कुत्तियां दा रखदा हिसाब नहीं। बेबी तुम निकली के नहीं? अरे बेबी नहीं, अभी तक ड्राइवर ही नहीं आया है। वो मैंने तुमको बताया था ना, बेंटले पे स्क्रैच लग गया था कल, तो उसको हमने स्क्रैप में डाल दिया। बेबी व्हाट्स द बिग डील, यू नो आई हैव अ फरारी राइट? मैं आपको फरारी से पिक कर लेता। पापा ने नई रेंज रोवर लाई है तो वही लेके ड्राइवर आ रहा है, मैं बस जल्दी पहुंचती हूं। बट देन We are getting late, no? Actually, मैं खुद भी चला के आ सकती थी, but you know, पापा बोलते हैं कि थोड़ी शान घर जाती है अगर ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाता है, खुद चलाते हैं, तो इसीलिए। I'll see you in the office directly? हाँ हाँ baby, direct office में मिलते हैं। Okay baby, I'll see you, bye, I love you. See you, bye. Bentley पे स्क्रैच लग गया था कल। You know I have a Ferrari, right? चाय पे कॉफी पे? चाय कॉफी पी लेना, चाय से काले हो जाते हैं। अच्छा ठीक है बेटा। सिमरन हाँ, कौन सा कलर पहनेगी? ये ग्रे वाला, ये पहले ना, इसमें तेरा कलर खिलेगा। ठीक है बेटा। प्याज लोगे या दम लो? प्याज ले लो। अरे दम ले लेती हूँ ना, दूध का बनता ना, उससे स्किन अच्छी रहती है। अच्छा ठीक है। भूख लगी बेटा, कौन सा पराठा खाओगे? मैं पराठा बना रही हूँ। आलू का, मेथी का? ना आलू ना मेथी, मूली रखी है, मैं मूली का बना दे रही हूँ। गजब बेइज्जती है। अरे मम्मी फिर पूछती क्यों हो? अरे बेटा तुम्हारी पसंद का बनाऊंगी ना। लाइक बटन को एक साथ दबा दो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखते रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स।